जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव। मैं हूँ ज्योतिषाचार्य डॉक्टर संध्या सक्सेना, महालक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान से आप सभी का बहुत 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 स्वागत करती हूँ। और आज एक नए वीडियो के साथ मैं आई हूँ आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ और बहुत सारी दुआएं लेके। और प्रार्थना है भगवान श्री गणपति महाराज से और मेरे महादेव से कि वो आप सब पे बहुत 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 सारी खुशियाँ बरसाएं और बहुत 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 सारी कृपा कराएं, ऐसी मैं कामना करती हूँ। साथ ही साथ में मैं आप सबके लिए एक और खास बात, जिनका हैप्पी बर्थडे है उन सभी को बहुत 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 जन्मदिन की हार्दिक 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 शुभकामनाएं देती हूँ। और आज जिन लोगों का हैप्पी एनिवर्सरी है उन लोगों को भी बहुत 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 शुभकामनाएं। आपको आपके या जीवन साथी के साथ आपका रिश्ता हमेशा मजबूत रहे, आप लोग हमेशा लंबे अच्छे और हेल्दी रिलेशनशिप में जिए, ऐसा कामना करती हूँ। और जिनका बर्थडे है उन सबको हैप्पी बर्थडे टू यू। आप सब एक अच्छी खुशहाल जीवन को जिए और 2023 आपके जीवन का बहुत अच्छा कामयाब आए। 2023 जो कि अब कुछ ही दिनों में आने वाला है, 2023 शायद 4 दिन बाद आ जाएगा और आने के बाद हमारे जीवन में धमाल मचाएगा। उसका कारण यह है कि जो 2023 है वो है 2023। तो 2 और 3 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा बताइए। 2023 को अगर आप जोड़ेंगे तो नंबर बनता है 7। 2023 5 to 7। 7 नंबर केतु का होता है। केतु का मतलब आप पता है, केतु का नंबर आता है पिछला साल, यानी कि जितना शुक्र का था इस ये वाला साल केतु देवता का आएगा। केतु का मतलब होता है जिस चीज के पीछे, जिस बात के पीछे आप बहुत टाइम से भाग रहे थे वो आपको और भगाएगी और भगाएगी और भगाएगी। यानी कि आप किसी भी चीज के पीछे जो भी आपकी इच्छा थी, जैसे कि मान जाए आपको लगता था कि मुझे ये चीज चाहिए है, मतलब वो हर चीज जो हमारी ड्रीम्स में होती है, जो हमारी इच्छाएं होती है, केतु क्या करता है आपको भगाता है उसके पीछे, उसको दूर 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 करेगा और आपको उसके पीछे धड़क 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 भगाता रहेगा। ये केतु का काम आता है। तो केतु 2023 का अगर हम इसका वो करेंगे तो ये 7 नंबर केतु का होता है और केतु क्या करता है आपको सिर्फ दौड़ाने का काम करता है। तो हो सकता है आप अपनी इच्छाओं के पीछे भागे, हो सकता है आपकी किसी काम ना हो खास उसके पीछे भागना शुरू करें। लेकिन केतु एक और चीज कहता है, यदि आप किसी चीज के पीछे भागना बंद कर दोगे तो केतु खट से वो चीज आपकी झोली में गिरा देता है। तो इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी 2023 में किसी भी चीज के पीछे भागना मत, मतलब कोई चीज अगर आपको दौड़ा रही है तो उसके पीछे मत भागना। जैसे कि मान लिया बॉयफ्रेंड ने आपको ब्लॉक कर दिया तो अब पूरी इंटेंशन के साथ कि अरे ये मुझसे बात कर ले, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, पूजा भी कर रहे हो, ये भी कर रहे हो, गर्लफ्रेंड ने ब्लॉक कर दिया, पत्नी ने ब्लॉक कर दिया, पति ने ब्लॉक कर दिया, तो आप पूरा का पूरा लगा रहे हो कि भाई कैसे भी मुझसे बात कर ले बला बला बला। उसी को भगाना बोलते हैं कि वो तुमको भगा रहा है अपने पीछे, चाहे पति हो, पत्नी हो, बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो या कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो आपको भगा रहा है अपने पीछे, तो इसी को भागना बोलता है। अगर कोई कहता है ना कि मैं जा रही हूं मुझसे बात नहीं करना, तो उसको बोलना कि ठीक है जाओ, जब तुम्हारा मन करे तो आ जाना, हम बात कर लेंगे। ऐसा करने से क्या होगा, आप उस चीज के पीछे भागोगे नहीं। तो केतु ये कहता है कि जिस चीज के पीछे तुम बिल्कुल नहीं भागोगे वो तो तुम्हें दे दूंगा आराम से, और अगर किसी चीज के पीछे भागोगे तो उस चीज को उतना ही मुश्किल बना दूंगा तुम्हारे लिए। केतु इस बारे में बात करता है। केतु और क्या कहता है, केतु कहता है कि अगर आप सॉरी केतु साथ में ये भी कहता है कि अगर आप पूजा पाठ अनुष्ठान करते रहते हैं, जो लोग प्रेयर्स करते रहते हैं, जो लोग किसी न किसी देवी या देवता को, अपने इष्ट को, अपने गुरु को या किसी भी ऐसी व्यक्ति के पूजा में लगे रहते हैं, तो केतु कहता है कि मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, आपको तंग नहीं करूंगा और ये साल इजी गोइंग आपका निकाल दूंगा, ऐसा केतु कहता है। तो केतु क्या करता है, केतु पूजा पाठ की बात करता है, केतु कहता है किसी चीज के पीछे भागना नहीं है, चीज अपने आप आएगी, ठीक है। केतु कहता है कि गणेश जी की पूजा करनी है पूरे साल, जो लोग लग के गणेश जी की पूजा करेंगे, जैसे मैं तो गणेश जी की भक्त हूं, तो उन सभी की मनोकामनाओं को भगवान केतु, मतलब केतु ग्रह जो है वो पूरी करेगा, क्योंकि जो लोग भगवान गणेश की पूजा करते रहेंगे, तो जो लोग पूजा पाठ करते हैं उनको केतु बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। खासतौर पर कहते हैं कि केतु के लिए अगर आप भगवान गणेश की पूजा करते हैं, अगर आप कुत्तों की सेवा करते हैं, कुत्तों को रोटी वगैरह कुछ खिलाते रहते हो, तो केतु बिल्कुल भी आपको
तंग नहीं करेगा। भगवान भैरव की पूजा करने वालों को भी केतु तंग नहीं करता है। बुधवार और शनिवार को आप खास पे पूजा कीजिए और भगवान भैरव की जो है स्तुति करिएगा तो आपका जीवन अच्छा कटेगा। 2023 में कुछ चीजें हैं जो आप अपने साथ हमेशा रखोगे तो आपको बहुत फ्रूटफुल होंगी, बहुत ज्यादा फायदा करेंगी। वो 2023 में क्या क्या चीज है आज मैं उसी चीज के बारे में बात करने आई हूं। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट केतु से किया था, तो मैं आपको सबसे पहले यही बता देती हूं 2023 में वो सभी लोग जो कुत्ते की सेवा करेंगे कैसे भी, अब ये मत कह देना कि मैंने तो कुत्ता पाला हुआ है तो जी हमारे घर में तो कुत्ते की सेवा हो रही है, नहीं। कुत्ता जितना घर के बाहर का होता है उतना अच्छा होता है। अब इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर आपके घर में कोई व्यक्ति है आप उसको दान करते हैं, कोई भी हो सकता है, चाचा ताऊ मामा मौसी लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, अगर आप किसी को दान करते हैं और दान करते हुए आप कहते हैं कि जी आपको पंडित जी ने कहा कि भैया आपको दान करना चाहिए, तो आपने कहा हाँ मैंने अपने बहन के लड़के को या बुआ की चाची की ताऊ की साई को मैंने किसी को दान कर दिया था, नहीं वो दान नहीं है। क्योंकि क्या होता है जब आप अपने रिलेटिव्स को या अपने वहां काम करने वालों को दान करते हैं तो वो उसको दान के रूप में नहीं लेता है, वो सोचता है कि अरे ठीक है दे दिया तो दे दिया, ये तो मैं इसके ऊपर मैंने इसका वो काम भी तो किया था तो दे दिया तो कौन सा बड़ा आसान किया, वो इस तरह से ले लेता है। ठीक है, तो दान हमेशा इसलिए घर के बाहर के लोगों को दिया जाता है और ऐसे लोगों जिसको आप जानते ही नहीं हो, जैसे मांगने वाले हो गए, कोई आया उसने कहा जी स्वेटर दे दो, कपड़े दे दो, कंबल दे दो, शॉल दे दो, राशन दे दो, और आपने उसको उठा के कुछ भी दे दिया, तो वो व्यक्ति जो है जब वो निकलेगा तो उसकी आत्मा आपको दुआएं देगी, रिश्तेदारों की आत्माएं बददुआएं देती है क्योंकि वो कभी भी आपके दी हुई चीज को अप्रिशिएट नहीं करते, इसका ध्यान रखना है। इसी तरह से जो कुत्ता होता है जो आपने घर में पाला हुआ है, अगर आप उस कुत्ते की सेवा कर रहे हो तो आपकी जाहिर सी बात है कुत्ता आपकी एवरीथिंग जो भी आपकी नेगेटिविटी है कुत्ता अपने ऊपर ले लेगा, और कुत्ता हमेशा मालिक की आई भी बलाओं को सबसे पहले ऊपर लेता है। लेकिन जो बाहर का कुत्ता होगा, अगर आप बाहर के किसी कुत्ते को रोज खाना देते हो, इंटेंशनली देते हो कि भैया बाहर कुत्ते घूमते हैं रोड पे, आप उन कुत्तों को अगर भोजन देना शुरू करते हो, फीड करना शुरू करते हो, तो उन कुत्तों की जो दुआएं हैं या जो ब्लेसिंग्स हैं वो घर के कुत्ते से और भी 50 गुना 100 गुना ज्यादा बढ़ जाती है, इसका ध्यान रखना है। अपने कुत्ते को तो फीड कराओ, उसकी कोई मना नहीं है लेकिन घर के बाहर का जो कुत्ता होगा अगर आप उसके ऊपर फीडिंग कराना शुरू कर देते हो तो उसमें आपको और भी ज्यादा बेनिफिट होता है। एग्जाम्पल बता रही कि अभी फिलहाल कुछ समय पहले एक एस्ट्रोलॉजर है बहुत फेमस है, उनके ऊपर शनि की मार्ग दशा शुरू हुई और उनका शनि मार्गेश हुआ, अष्टम भाव का मार्गेश शनि उनका स्टार्ट हुआ। तो हुआ क्या, वो मुझे रोज ही बोलते थे कि शनि मार्गेश आया, शनि मार्गेश आया, संध्या मेरा शनि मार्गेश आ गया। मैं कहती थी ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा। क्या हुआ, उनके घर में कुतिया थी, उसने बच्चे दिए, उसने 8 बच्चे दिए, 24 घंटे के अंदर 8 के 8 बच्चे मर गए क्योंकि उनका शनि मार्गेश कब हुआ था, शुरू नवंबर में हुआ था, दिसंबर में कुतिया ने बच्चे दिए और बच्चे 8 के 8 मर गए और 8 ही बच्चे हुए। तो क्या हुआ, शनि का नंबर भी 8 होता है, तो उनके घर का जो जानवर था, ये जो भी उनके घर में जो उन्होंने पाला हुआ पशु था, उसने उनका जो ग्रह खराब था अपने ऊपर ले लिया। इसी तरह से आप देखते हैं कि घर का कुत्ता अचानक से, उसको सांप आप काट लेता है वो मर जाता है, या कुत्ता अचानक से बीमार होकर मर जाता है, कब होता है, घर के मालिक को जब भी कोई प्रॉब्लम होगी तो कुत्ते के ऊपर, बिल्ली के ऊपर, घर की गाय के ऊपर फौरन आती है। तो इसी तरीके से उनके ऊपर मुसीबत आई तो किसने ले लिया, कुत्ते ले लिया। और इसी तरह से अगर आप घर के, क्योंकि उन्होंने एक कुत्ते को फीड कर रहे थे इसलिए उस कुत्ते ने अपने ऊपर मुसीबत ले ली, लेकिन जब आप घर के बाहर के और कुत्तों को फीड कराते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपने बहुत सारे कुत्तों को फीड कराया है, घर के बाहर कराया है, 2 को 4 को 6 को 8 को 10 को, तो क्या होगा कि वो कुत्तों को जब आप फीड कराते हैं तो वहां से ब्लेसिंग्स आती हैं, और वो ब्लेसिंग्स जब आती हैं तो वो आपके घर की नेगेटिविटी, चाहे आपके बच्चों पे है चाहे आपके घर पे है, वो और भी ज्यादा बढ़ के आती है, क्योंकि उन कुत्तों के साथ आपको कोई, आपके घर का जो कुत्ता है उसके साथ तो आपने एक कनेक्शन बना रखा है कि भाई मैं इसको पाल रहा हूं, मैं इसको प्यार करता हूं लेकिन जो घर के बाहर के कुत्ते हैं उनके साथ आपको कोई कनेक्शन नहीं होता, लेकिन आप उनको फिट कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या है कि ये आपको बेनिफिट करेगा। तो सबसे पहले क्या करना है 2023 में, पूरे साल कुत्तों की सेवा करनी है। सबसे आसान सबसे अच्छा तरीका जो है वो ये आता है कि 2 रुपए वाले बिस्किट्स आते हैं, और ये बिस्किट आते हैं पार्ले जी के, अपने सब देखे होंगे, बस वो बिस्किट का पैकेट खरीद लाओ और वो तोड़ तोड़ के कुत्तों को खिलाना शुरू कर दो, सबसे सस्ता सबसे आसान उपाय 2 रुपए का बिस्किट आता है,
और आप क्या कर सकते हो इसके अलावा, अगर आपको शनिचर परेशान कर रहा है तो एक और काम कर सकते हैं कि आपको रोटी लेनी है, रोटी को बेल लेना है बढ़िया तरीके से। आपको रोटी को सेकने के बाद आपको एक तरफ क्या करना है जो सिकेगी, और दूसरी तरफ आप उसको कच्चा रखेंगे। जिस तरफ कच्ची होगी वहां पे सरसों का तेल लगाना है, थोड़ी सी चीनी लगानी है, अपने सर से लेके पैर तक 7 बार उल्टा उतार के। यदि आप काले कुत्ते को खिला दो या किसी भी कुत्ते को खिला देते हो, तो कुंभ राशि वाले और मीन राशि वाले जिनके ऊपर शनि की 6.5 आएगी जनवरी के 15 तारीख के बाद, ये उन सभी की जो भी परेशानी है उसको दूर करेगा, उनकी दिक्कतों को दूर करेगा, और कुत्ता उनकी इस परेशानी को दूर कर देगा। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था काला कुत्ता जो है वो शनि देव का होता है। जितनी आप काले कुत्ते की सेवा करेंगे वो शनि देव को लगती है, जितना आप भूरे कुत्ते की सेवा करते हैं वो राहु देव की लगती है, राहु जी को लगती है, और जितना आप चितकबरे दो कलर के कुत्तों की सेवा करते हैं तो वो केतु को लगती है। लाल कुत्ते की अगर आप सेवा करते हो तो मंगल और सूर्य को लगती है, सफेद कुत्ते की सेवा करते हो तो चंद्रमा और शुक्र को लगती है, और अगर पीला कुत्ता मिल जाता है, कुछ पीले जैसे भी होते हैं, तो वो किसको लगते हैं, बृहस्पति को लगते हैं। ठीक है, हर ग्रह के लिए कुत्ते को बनाया गया है। तो कुत्ते की सेवा करने से आपको, जब आप घर के बाहर डॉग्स को देंगे तो उसमें आपको मिक्स कुत्ते मिलेंगे, लाल पीले नीले नीले नहीं होते लाल पीले काले दो रंग के कुत्ते तो वो आपको बेनिफिट होगा। तो आपको पहला उसूल समझ आ गया कि 2023 में कुत्तों की सेवा हमेशा करनी है। उसूल नंबर 2, 2023 में आपको और क्या करना है, 2023 में आपको जिस दिन 2023 आपका लगेगा, हालांकि ये हमारा वर्ड नहीं है, ये सिर्फ इंग्लिश कैलेंडर चेंज हो रहा है, जनवरी आ रही है, हमारा तो आएगा 22 मार्च को पहला नवरात्र है, 22 मार्च को हमारा बनेगा, उससे पहले हमारा नहीं बन रहा है, लेकिन कुछ लोग तो मानेंगे। तो उसमें क्या करना है, जैसे ही 2023 आता है और आप 7 के नंबर के फेर में वो होते हैं, तो आपको कुछ चीजें हैं जो आपको पॉकेट में रख लेनी चाहिए, ये आपको हमेशा से फायदा करेगा। एक जो आपको क्या करना है, गणेश जी का एक सिक्का रख लेना है, या गणेश जी का कोई चित्र रख लेंगे, वॉलेट में रखना है। क्या रखना है, अपने वॉलेट में, अपने पर्स में भगवान गणेश का एक चित्र रख लेंगे, या अगर आपके पास चांदी का सिक्का है जिसमें लक्ष्मी गणेश बने हैं तो वो रख सकते हैं। अगर आपके पास गणेश जी नहीं है तो आप छोटी सुपाड़ी भी रख सकते हैं, सुपाड़ी भी गणेश के रूप में मानते हैं। आपको क्योंकि ये केतु का टाइम है और ये केतु की ही इसमें सारे के सारे काम होने हैं, तो इसमें अगर आप जो है गणेश जी की पूजा करते हैं, गणेश जी को अपने पर्स में रखते हैं, तो ये आपकी लाइफ को पॉजिटिव बनाने वाला है, क्योंकि केतु देवता भगवान गणेश के अधीन है। केतु जो देवता है ये भगवान गणेश के अधीन है, और इनका जो अधिपति है, जो उनका देवता है, वो गणेश है। पर्स में गणेश जी की फोटो रखो और ओम गं गणपते नमः का जाप कर सकते हो जितना ज्यादा। अब मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप बैठ के 5-5, 6-6 माला करो, नहीं। आज सुबह जब भी सो के उठते हैं तो आप गणेश जी को याद कर लो, जब आप अपना धूप दीप अगरबत्ती जलाते हो तो ओम गं गणपते नमः कम से कम 11 बार बोल लो। रात को अगर आप धूप दीप अगरबत्ती जलाते हो तो रात को भी 3-4 बार ओम गं गणपते नमः मिनिमम बोल सकते हैं। आसपास अगर कोई मंदिर है जिसमें गणेश जी स्पेशल स्थापित किया जाते हैं वो, तो वहां पे हाथ जोड़ लो। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस संसार में जितने भी मंदिर हैं वो सब बिना गणेश के कभी पूरे नहीं होते। तो आपने देखा होगा कि जब आप मंदिर में एंटर करते हैं तो ऊपर एक आला सा होता है जिसमें गणेश जी छोटे से बने होते हैं, तो गणेश जी तो आपको वहां पे भी मिल जाएंगे, तो वहां पे भी आप गणेश जी को हाथ जोड़ सकते हैं चलते फिरते। 1 जनवरी का तो सभी के सभी गणेश जी को लड्डू जोड़ चढ़ा के आना, क्योंकि ये किसका है, ये केतु का साल है, इसलिए गणेश जी को। तो पहला मैंने आपको बताया कुत्ते की सेवा करना है क्योंकि ये साल केतु का जा रहा है। दूसरा मैंने आपको बताया है कि आपको गणेश जी की फोटो अपने पर्स में रखनी चाहिए, पूरे साल रखो। तीसरा मैं आपको बता रही हूँ कि गणेश जी के मंदिर में हर बुधवार बुधवार जाने की आदत बनानी है, या हफ्ते में एक बार, जैसे संडे बना लिया आपने। और साथ में क्या करना है कि गणेश जी को नमन करना है मानसिक रूप से, आप पूजा करते तो उसमें भी आप करेंगे, क्योंकि पूरा साल ही उनका है, तो भाई गणेश जी को पूछना मत भूलना, गणेश जी की पूजा मस्त है। एक तो ये आपको समझ में आ रहा है। इसके अलावा आपको तीसरा क्या काम करना है, कुत्ते की सेवा हो गई, गणेश जी की फोटो भी पर्स में रख ली, गणेश जी के मंदिर चले जाते हैं कभी कभी, खासतौर पर बुधवार होता है उनका दिन, उनको लड्डू भी चढ़ा सकते हैं। ये तो 4-5 काम हो गए। और आपको इस 2023 में क्या करना है,
वो ये है कि जब भी गणेश जी की पूजा होती है तो उनकी दो पत्नियां हैं, एक का नाम है रिद्धि, एक का नाम है सिद्धि, एक का नाम है शुभ, एक का नाम है लाभ, है ना। तो रिद्धि सिद्धि जो दो उनकी पत्नियां हैं और जो शुभ लाभ है, तो आपको क्या करना है 2023 में अपने दोनों के दोनों, इधर वाला भी और इधर भी, आपके जो घर की चौखट है 2023 में जब आप घुस रहे हैं, तो लाल रंग के टीके से या अष्टगन से इधर उधर शुभ लाभ चिपका लेना, किसी पेपर पे शुभ लाभ लगाकर उसको टेप कर देना। लेकिन बनाओगे किससे, बनाओगे ये टीके से, शुभ लाभ दोनों साइड लगा देना। इसके साथ साथ में आप क्या करोगे, जो माता रिद्धि है, माता सिद्धि है, उनका भी ध्यान करते रहिएगा, क्योंकि भगवान गणेश जहां पे होते हैं वहां पे ये दोनों रिद्धि और सिद्धि अपने आप आती हैं, और जहां भगवान गणेश होते हैं वहां पे शुभता होती है, वहां लाभ होता है। तो अपने दरवाजे के दोनों तरफ शुभ लाभ लिखना, और अगर आपको कहीं से मिल जाए भगवान गणेश, उनके दोनों बच्चे और उनकी पत्नी रिद्धि सिद्धि, मेरे घर में तो है फोटो, ये फोटो अगर आपको इंटरनेट पे कहीं मिल जाती है तो आप इसको डाउनलोड कर लो, इसको प्रिंट आउट कर लो, इसको फ्रेम कर लो और अपने घर में स्थापित कर दो। 2023 में ये फोटो बहुत 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 काम आने वाली है। इस फोटो को कैसे यूज करना है वो मैं आपको बताऊंगी, और एक और मैं आपको बताऊंगी जो 2023 में आपके पास होना चाहिए। लेकिन उससे पहले श्वेता वर्मा है, वो चाहती है कि उनका जॉब हो जाए, और साथ में पंकज तिवारी हैं, वो चाहते हैं कि उनका प्रेम विवाह उनके माता पिता की स्वीकृति से हो जाए। इसके अलावा एक लड़का है आदित्य, वो जो है विदेश जाना चाहता है, कनाडा का वीजा लगाया है, उसमें दिक्कत आ रही है। और पल्लवी वर्मा है, वो चाहती है कि उनके बेबी हो जाए, उनके 2-3 साल शादी हो गए, 4 साल बच्चा नहीं हो रहा है। और जो मेरे सब्सक्राइबर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरे 3 चैनल है, महालक्ष्मी ज्योतिष भाई, संध्या सक्सेना, संध्या सक्सेना एस्ट्रो, और साइकिक रीडर संध्या सक्सेना। मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इंस्टाग्राम को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर मैं आपको अच्छी लगती हूँ। मैं कुंडली की रीडिंग 2023 फरवरी तक फ्री में कर रही हूँ, फेस रीडिंग मैं हमेशा ही फ्री करती हूँ, और मेरा ये मानना है कि इस ब्रह्मांड में और संसार में सब कुछ पॉसिबल है। मुझे ऐसा लगता है अगर आप किसी चीज के पीछे जिद से पड़ जाओ तो आप उस चीज को हासिल कर सकते हो, बस आपके कर्मास को इतना बढ़िया तरीके से इकट्ठा कर लो, बवंडर इकट्ठा कर लो कि आपकी लाइफ सेट हो जाए। और हमारे भारतीय तंत्र में, पूजा में, पाठ में, अनुष्ठान में माँ कालिका की, भगवान भैरव की, भगवान शंकर की, भगवान गणेश की भर भर के ऐसी ऐसी पूजाएं हैं, ऐसी ऐसी पूजाएं हैं, ऐसी ऐसी पूजाएं, माता बगला लो, त्रिपुर सुंदरी ले लो, किसी को भी ले लो, मतलब वो काम जो आपको लगता था ये हो ही नहीं सकता, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, वो काम भी हो जाते हैं। लेकिन भगवान क्या कहते हैं कि शिद्दत रख लो, आप जैसी शिद्दत खोते हो, जैसी सब्र तोड़ते हो, आपका काम खराब हो जाता है। इसलिए मैं हमेशा से कहती हूं कि श्रद्धा करो, सब्र रखो, ठीक वैसे ही जैसे आप साईनाथ बोलते हैं, जो श्रद्धा रखेगा, जो सब्र करेगा, मैं उसके साथ हूं। भगवान गणेश भी यही बोलते हैं, शंकर जी भी यही बोलते हैं, और हर देवी देवता यही बोलता है कि यदि आप श्रद्धा रखोगे, सब्र रखोगे, तो मैं आपका काम करूंगा। एक 3 चीजें आपको बता रही हूं, हम मैसेज, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, और 3 बातें बता रही हूं। जो लोग किसी विश को पूरा करना चाहते हैं, अगर आप किसी विश को पूरा करना चाहते हो, विश को पूरा करने के तुरंत साथ आप जैसी लगते हो उस विश को पूरा करने में, अगर आपके साथ प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं, काम में अटकाव आता है, जैसे कि मान जाए आपने पूजा करनी शुरू की और तुरंत उस लड़के ने कह दिया बाढ़ में जा, मैं तुझसे बात नहीं करता, या आपके पापा ने और जोर से मार दिया, या कुछ और हो गया, या कुछ भी ऐसी घटना घट जाती है, या आप किसी पूजा को कर रहे थे आपकी नौकरी के लिए और आपके 2 और रिजेक्शन आ गए, तो ये मान के चलो कि आप बिल्कुल सही ट्रैक पे हो। ईश्वर क्या करता है, जब आप निष्ठा के साथ उसकी पूजा करते हो ना, तो वो ना उंगल करता है आपके काम में, इसलिए क्योंकि वो चेक करना चाहते हैं कि आप उसमें विश्वास कितना करते हो। और जब भी आप कोई काम करो, अगर उस काम के होने में आपको परेशानी महसूस हो रही है, दिक्कत महसूस हो रही है, तो आप मान के चलो कि आपका ट्रैक बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही जगह पे जा रहे हो। और जो देवी देवताओं की जो पूजा करते हैं ना, तो देवी के साथ
कुछ उनकी दासियां होती हैं, हम बोलते हैं इसको माँ कालिका की गणिकाएं, इसी तरह से हर देवी देवता की गणिकाएं होती हैं। तो वो क्या करती हैं, आपके मन को भटकाती हैं और आपके काम को मुश्किल बनाने के लिए उसमें ना प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। गणिकाएं, गणिकाओं का काम ही यही है। तो जब आप कोई काम करते हैं, आप पूजा लगा के बैठे हैं और आप बोलते हैं माँ मैंने 5 दिन से पूजा कर रही हूँ, ये तो उल्टा हो गया, उसने तो मुझे ब्लॉक कर दिया। मैं 5 दिन से बात कर रही हूँ, मेरा पति तो और शराब पी के आ गया। मैं 5 दिन से पूजा कर रही हूँ, मेरा तो सास और चिल्ला पड़ी। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका काम खराब हो रहा है, आपका ट्रैक सही है, लेकिन जो गणिकाएं है ना देवताओं की, वो क्या करती है, इसको आप अप्सराएं बोल सकते हैं, गणिकाएं बोल सकते हैं। और बोलते हैं ना कि हमने एक सुंदरी को साथ रखा है, ये वही होती हैं गणिकाएं। तो क्या करेंगी, आपके काम को और मुसीबत और मुश्किल बना देती हैं। लेकिन आप समझ जाओ, अगर आप किसी पूजा पाठ में लगे हो और आपका काम और टफ हो जाए और मुश्किल हो जाए, तो 100% आपका काम होना है। इसलिए वो काम को मुश्किल बनाया जाता है, जिससे कि आपकी निष्ठा, आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास उस पूजा से तनिक हट जाए। और जैसे ही आपकी पूजा निष्ठा विश्वास उस पूजा से हटता है, तभी देवता कहता है कि अरे इसको तो मेरे पे विश्वास ही नहीं है, चलो आगे चलो। तो बस वही चीज आपको नहीं करनी है। इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि रात को 8 बजे से लेके रात को 2, 3, 4, 5 जब तक भी आप सोते नहीं हो, आप लगातार, जो लड़कियां जो लड़के मेरे यूट्यूब के कमेंट पे नीचे लिखते हैं कि गणेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद, संध्या बाबा का धन्यवाद, उनकी कृपा से हमारा काम हो चुका है, हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं, मैं आपको यकीन मना रही हूँ कि कितने ही लड़के लड़कियों का इसी तरीके से काम पूरा हो जाता है। क्यों? क्योंकि कोई कुछ भी कहे, चाहे पूजा में कितनी भी रुकावट आए, चाहे आप कोई प्रेयर कर रहे हो उसमें कितनी भी रुकावट आए, लेकिन जब आप उस सेंटेंस को बार बार लगते हैं और वो बार बार मैसेज जब यूनिवर्स में जाता है, जितनी बार वीडियो चल रही है यूनिवर्स में से जा रहा है, रात के समय बार बार जो है ये जो सरस्वती जी हमारी जवान पे बैठती है, तो वो बार बार वो बात सिद्ध होती है। कभी ना कभी तो सरस्वती माँ बैठेगी, कभी तो सिद्ध हो जाएगी, कभी तो वो वीडियो चल रहा होगा और वो ऐसे टाइम पे चलेगा जब माता सरस्वती बैठी होंगी उस टाइम पे, तो वो क्या होगा, वो बात सच हो जाएगी। फिर चाहे किसी ने पत्थर की लकीर ही कहा होगा कि ये काम नहीं हो सकता, लेकिन उस समय वो उस काम सिद्ध हो जाएगा, वो काम हो के रहेगा। इसी तरह से काम होता है, इसी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, इसी तरीके से दुनिया के काम बनते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको यही करना है कि, तो मैं आपसे ये कह रही हूं कि कभी भी कोई भी काम मुश्किल आए, उसमें दिक्कत आए, तो मान के चलो कि गणिकाएं प्रॉब्लम करती हैं। कई बार लड़कियां मुझे कंप्लेन करती है कि हम पूजा कर रहे थे और पूजा करते करते ऐसे लगा जैसे कोई बाहर पीछे खड़ा है, कोई देख रहा है। ये सब तो ये काली की पूजा में, बगला माँ की पूजा में, भैरव बाबा की पूजा में बहुत होता है। क्योंकि क्या होता है, उनके जो गणिकाएं हैं, उनके जो गण हैं, ठीक है, वो आके चक्कर मार के जाते हैं और वो आपके काम को कॉम्प्लिकेट बनाते हैं। क्योंकि वो भी नहीं चाहते, वो देखते हैं, टेस्ट करते हैं कि ये मेरे ईश्वर पे कितना विश्वास करते हैं। मैं इसलिए बोल रही हूँ। तो आप सभी, जिन लोगों का नाम लिया था आपका और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, आप सभी की जो भी इच्छाएं हैं, ईश्वर जायज इच्छाओं को पूरा करे। और भगवान श्री कृतिवास से और महादेव से प्रार्थना है कि हे भगवान श्री कृतिवास, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद इस जन्म में और पूर्व जन्म में जो भी आपने हमें घर, गाड़ी, पैसा, कपड़ा, खूबसूरती, अच्छे बाल और अच्छे लोग, माता पिता, भाई बहन, जो भी संसार दिया है, स्वस्थ दिया है, सुंदर दांत दिए हैं, अच्छे जबड़े दिए हैं, सुंदर आंखें दी हैं मुझे, अच्छे बाल, अच्छा मस्तिष्क, अच्छा शरीर, जो भी आपने दिया है, उन सब के लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार करती हूँ। और मैं जब भी प्रेयर करती हूँ तो भगवान के लिए, आप भी हाथ जोड़ के प्रेयर किया करो और मेरे साथ बोला करो कि जो भी कुछ आज तक मिला है, हम उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद करते हैं। और कामना बोल दो अपनी 3 बार, विश बोलो जो भी आपके दिल से है कि हे श्री कृतिवास, बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, आप हमेशा हमारी कदर करते हो, हमारा ध्यान रखते हो, अपने बच्चे की तरह हमारे सारी परेशानियों को आप खुद से दूर करते हो। मैं आपकी बहुत 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 ऋणी हूँ और आपसे कृपा चाहती हूँ अपने लिए, आप सबके लिए और आपकी जो भी विशेष हो। एक तो 3 बार मन में सोच लीजिए एक ही लाइन में कि मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मेरा प्यार मुझे मिल गया है, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मेरे पास घर है, गाड़ी है, पैसा है, बंगला है, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मेरे सारे कर्जे खत्म हो गए हैं, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मेरी पसंद के लड़के लड़की से मेरी शादी हुई, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, खुश हूँ, मेरे सारे रुके काम बन गए हैं, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मेरे पास बहुत अच्छी जॉब है, मैं गवर्नमेंट जॉब पे हूँ या खुद जॉब पे हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ। इसी तरीके से बोलते जाइए, शिद्दत से की गई पूजाएं हमेशा सफल होती हैं। तो ठीक है, तो
प्रेयर्स हो गई। तो मैं आपको बता रही थी कि हमको 2023 में क्या क्या सामान रखा है। कुत्ते की बात हुई थी, भगवान गणेश की बात हुई थी, शुभ लाभ की बात हुई थी, और मैंने आपसे बताया था कि भगवान गणेश की उनकी दोनों पत्नियां रिद्धि सिद्धि और उनके दो बच्चे शुभ लाभ के साथ एक फोटोग्राफ आपको प्रिंट करा लेनी चाहिए, और उसके चारों तरफ आपको गोल्डन वाला एक वो लगवा लेना, या तो टेप लगा लेना, गोल्डन टेप बाजार में आता है 3-4 रुपए का, और या फिर गोल्डन फ्रेम लगा लेना। गोल्डन कलर जो ये मेरे अवार्ड पे लगा हुआ ना गोल्डन, मैं इस तरह का गोल्डन की बात कर रही हूँ, ये जो शेयर है अवार्ड में मेरे को, ठीक है। तो अब तक मुझे 25 से ज्यादा अवार्ड्स मिले हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तौर पे। तो ये इस तरह से अवार्ड्स पे जैसे है वैसे ही आप उस फोटो के चारों तरफ लगाकर, और उसके बाद बुधवार वाले दिन ही अपने घर में लेके आना, ये पहला बुधवार जब भी पड़ेगा, या आप 31 तारीख को बनवा लेना। 1 तारीख को नहा धोकर सुबह भगवान गणेश के मंदिर में जाएंगे, उस फोटो को साथ लेके जाएंगे, और 1 तारीख को जिस दिन 2023 का फर्स्ट जनवरी आएगा वहां पे भगवान गणेश के मंदिर में जाके उसको कहना कि भगवान गणेश रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ के साथ मैं बहुत उम्मीद बहुत विश्वास के साथ आपको अपने घर पे निमंत्रित करती हूँ। 1000 साल तक आप मेरे घर पे, मेरे परिवार पे, मेरे खानदान पे, मेरे वंशजों पर यही पे रह जाओ, और भर भर के रिद्धि, भर भर के सिद्धि, भर भर के शुभ, भर भर के लाभ मेरे और मेरे परिवार के लोगों को दें, ऐसी मैं कामना करती हूँ। मेरे बच्चों पे दें, मेरे माता पिता पे, मेरे भाई बहन पे, मेरे परिवार पे दें, मेरे रिश्तेदारों पे दें, ऐसी कामना जो भी आपको बोलना है। उसके बाद वो फोटो को वहां पर लगाकर, उस पर थोड़ा टीका ईका लगाकर और भगवान से प्रार्थना करके फिर उसको उठा के लाओ, कुछ कच्चे चावल उस पर छिड़क कर, फिर अपने घर में एक बजोट पे या कहीं पे भी लाल रंग का कोई कपड़ा या पीले रंग का कपड़ा जो गणेश जी को बहुत पसंद है, या चमकदारी यही जैसे है ना ये गोल्डन वाला ये वाला कलर लेके उसके ऊपर फिर आप उस फोटो को रखो, और सुबह शाम कुछ भी मत करो तो बस बत्ती कर देना, ठीक है। क्या होगा, ईश्वर आपसे प्रसन्न रहेंगे और मेरे गणेश जी आपके घर पहुंचेंगे अपनी दोनों पत्नी रिद्धि सिद्धि के साथ, शुभ लाभ के साथ। मुझे पूरा विश्वास है कि पूरा का पूरा साल बहुत 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 अच्छा जाएगा और बहुत 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 खुशियां लेके आएगा। और बस हमेशा से जब भी आप वहां पे धूप दिखाओगे तो बस आपको यही बोलना है कि गणेश जी महाराज आपको बहुत 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 धन्यवाद, संध्या माँ ने बोला था मैं आपको लेके आया हूँ, संध्या माँ पे, उनके परिवार पे और हम पे, हमारे परिवार पे खुशियां बरसाओ, और जो भी तुम्हारी इच्छा होगी, जो भी आपकी इच्छा है, आप बड़े हो या छोटे हो, आपकी जो भी विषय जो भी इच्छा है, मेरे भगवान गणेश को, माता रिद्धि सिद्धि को और शुभ लाभ को भूलिएगा कि हे भगवान शिव कीर्तिराज आपको आपके परिवार के साथ सादर आमंत्रित करके मैंने अपने घर में स्थापित किया है, मेरे घर में खुशियां दे, मेरा स्वास्थ्य बनाए, सौंदर्य बढ़ाए, मेरी मनोकामनाएं पूरी करें, मुझे और मेरे परिवार को खुशहाली दें, और समस्त दिशाओं से हमें खुशहाली दें, खुशहाली दें, खुशहाली दें, सुरक्षित दें, सुरक्षा दें, सुरक्षा दें, और खुशियां दें, खूबसूरती दे, ऐसा आप मानिएगा। और जो भी आपकी विश उसको आपको बोलना होगा 7 टाइम 7 बार अपनी विश बोलेंगे, सुबह भी शाम भी ऐसे से दिया दिखाते हुए, तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। तो अगर आपको मुझसे कॉन्टेक्ट करना है तो 8126476099 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं हमेशा से कहती हूँ इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आप अपना लिटरेचर पढ़िए जो भारतीय संस्कृति का है, चाहे वो द्वापर युग हो, चाहे त्रेता युग हो, चाहे वो कलयुग हो, ऐसा भरा पड़ा है लिटरेचर की वो सभी काम जिसके लिए बिल्कुल मनाही हो गई थी वो काम भी हो जाते हैं। लेकिन काम कब नहीं होते, जब आपके अंदर दृढ़ता नहीं होती। अगर आप किसी चीज को सोच लो तो वो काम जरूर होगा। आप में से बहुत से लोगों ने बचपन में हिंदी की कथा पढ़ी थी जिसमें एक कहा वो लाइन थी कि जब कुएं पे रस्सी खींचने से, कुएं की रस्सी खींचने से रस्सी की रगड़ कुएं की साइड पे लगकर उस पर निशान पड़ जाते हैं, ठीक है, तो जबकि वो पत्थर इतना टाइट होता है, कुएं का साइड का पत्थर इतना गहरा होता है, इतना मजबूत होता है, लेकिन रस्सी से बार बार खींचने से पत्थर के ऊपर भी निशान पड़ जाते हैं। तो ऐसा कौन सा काम है जो आप विश्वास के साथ करोगे और रगड़ रगड़ के करोगे तो काम होगा नहीं।
एक देवता पकड़ के रखो, उससे बात करो, उसको बोलो कि काम करो, मेरा काम जरूर होगा, ना हो ऐसा हो नहीं सकता। फिर भी कुछ पूछना हो और आपको जानना हो कि अपनी विशेष को कैसे पूरा कर सकते हैं मेरी YouTube के थ्रू, तो आप मुझसे 8126476089 पर व्हाट्सअप करना। आज के लिए इतना ही। आपका दिन बहुत 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 खूबसूरत हो। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय श्री गणेश जी।